बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड, अब दो दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाई आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता, मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टार्को टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था, संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदगी। गणपति सोलर एक्साइट एमरोन मैसिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर स्लामपुरिया एनर्जी बिसाइड मधुबन बेसिस बरगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया वाणिज्य न्यायालय अधिनियम 2015 एवं वाद पूर्व मध्यस्थता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। वाणिज्य वाद निपटारे से संबंधित दी गई कई अहम जानकारियां। न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता संघ के अलावे चैम्बर के पदाधिकारी हुए शामिल। शनिवार की सुबह SDPO अनिल सिंह के नेतृत्व में कोयला तस्करी के खिलाफ चला छापेमारी अभियान। 1.5 दर्जन बाइक व करीब 20 टन कोयला जब्त। कोयला चोरी के खिलाफ 3 थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। टोटो चालकों के खिलाफ चलाए गए सघन जांच अभियान। टोटो चालकों के लाइसेंस और कागजात की गई जांच। करीब 40 टोटो किया गया जब्त। शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति की हुई बैठक। बक्सीडी 28 नंबर स्थित शमशान भूमि को भू माफियाओं से बचाने को लेकर की गई चर्चा। समिति के लोगों ने प्रशासन से की उचित कार्रवाई की मांग। और भंडारे के साथ संपन्न हुआ पुराना साईं मंदिर का 27वां स्थापना दिवस पर आयोजित अनुष्ठान। भंडारा में उमड़ी भक्तों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा शनिवार को वाणिज्य न्यायालय अधिनियम 2015 एवं वाद पूर्व मध्यस्थता एवं एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वाणिज्य से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सेमिनार हॉल में शनिवार को वाणिज्य न्यायालय अधिनियम 2015 एवं वाद पूर्व मध्यस्थता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के अध्यक्ष वीना मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे, वाणिज्य न्यायालय के न्यायाधीश सह जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स गिरिडीह के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के निर्देश पर वाणिज्य न्यायालय का गिरिडीह जिले में भी गठन किया गया है एवं वर्तमान में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय को वाणिज्य न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है। कहा कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए इस न्यायालय की उपयोगिता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को इस अधिनियम को अच्छे तरीके से समझाने एवं न्याय मंडल में इसका समुचित तरीके से उपयोग में लाने के लिए आह्वान किया। कार्यक्रम को प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय एवं महासचिव चुन्नुकांत सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने संबोधित किया।
वहीं कार्यक्रम में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, अतिरिक्त न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवम निर्जा आश्री, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्मीकांत, अधिवक्ता सहनवाज खान, नित्यानंद प्रसाद, टीपी बक्सी, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, विपिन कुमार यादव, चंदन सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा, रमेश कुमार तिवारी, सुदीप मित्रा, महेश्वर नाथ सहाय, राजीव कुमार सिन्हा सहित कई न्यायिक कर्मी मौजूद थे। शनिवार की सुबह एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में कोयला तस्करी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर डेढ़ दर्जन बाइक व करीब 20 टन कोयला जब्त किया गया। कोयला चोरी के खिलाफ 3 थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ शनिवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में अहले सुबह की गई छापेमारी के दौरान कोयला लदे लगभग 18 बाइक को पकड़ा है। पकड़े गए बाइक से लगभग 20 टन कोयला भी जब्त किया गया है, साथ ही 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। मामले को लेकर पचम्बा और मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विदितों की सीसिल कोलियरी इलाके से लगातार रात के अंधेरे में कोयला माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी और तस्करी की जा रही है। इसे सूचना के बाद एसपी अमित रेणु के निर्देश पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। शनिवार की अहले सुबह एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, बेगाबाद इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, बेगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह, ओवर निरीक्षक विकास पासवान, संतोष मंडल समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने एक साथ क्षेत्र के ओपन कास्ट के पीछे सती घाट, खरियोडी, भदुआ, चिलगा, पचम्बा व बेंगाबाद मार्ग में छापेमारी कर 18 बाइक जब्त किया। इस संबंध में एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि गिरिडीह कोलियरी क्षेत्र से अवैध तरीके से कोयले की तस्करी की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसे देखते हुए यह अभियान चलाया गया है। कहा कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गिरिडीह ओपन कास्ट कोल माइंस जो बंद पड़ा है, वहाँ से कोयला चोरी की सूचना थी, तो उस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मुफस्सिल विनय जी और पुलिस इंस्पेक्टर बेंगाबाद कमलेश जी और मुफस्सिल थाना का जेएसआई विकास पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि, सभी को मिलाकर एक टीम बनाया गया और योजना अनुसार छापेमारी की गई, जिसमें आज हम लोगों ने 19 मोटर बाइक को पकड़ा है और उसमें संलिप्त 2-3, चूँकि अंधेरा था और झाड़ी था, उसका लाभ उठाकर भागने में सफल रहे कोयला चोर, लेकिन उनका उनको जो मोटरसाइकिल पर कोयला लोड कर ले जा रहे थे उनको पकड़ा गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और हम लोग पता कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी चिन्हित करके हम लोग FIR दर्ज करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। इतना मिल रही थी कि अवैध तरीके से ओपन कास्ट और आसपास के क्षेत्र में खमता से कोयले की निकासी से ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है, उसी के आधार पर विशेष टीम गठित कर छापेमारी आज की गई है। शहरी क्षेत्र में टोटो की संख्या में अधिक वृद्धि होने के कारण शहर में लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए शनिवार को जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान टोटो चालकों को लाइसेंस और कागजात की जाँच। एसपी अमित रेणु के निर्देश पर शनिवार को शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक समेत पचम्बा में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व DSP संजय राणा और SDPO अनिल कुमार सिंह ने किया। इस दौरान टोटो चालक से रजिस्ट्रेशन व अन्य कागजातों की जांच की गई। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र में टोटो की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसके कारण जाम की समस्या और लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी होती है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। Thank you.
मौके पर डीएसपी संजय राणा ने बताया कि इन दिनों शहरी क्षेत्र में टोटो की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसके कारण यातायात समस्या उत्पन्न होती है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से टोटो की जांच की जा रही है। जांच के दौरान रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस आदि कागजात नहीं पाए जाने पर टोटो को सीज किया जाएगा। टोटो के विरुद्ध अभियान चल रहा है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे टोटो जो है फेरी साल में चल रही है, जिसके वजह से यातायात की समस्या काफ़ी उत्पन्न हो रही है। उत्तर प्रदेश को देखते हुए ये एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे एसपी साहब का निर्देश है कि जितने भी टोटो वाले हैं उसका आप चेक कर लें, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ हैं तो उनको सीज कर लें और प्रोसिक्यूशन सबमिट करें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है टोटो गाड़ियाँ की चेकिंग अभी चल रही है। आज इवेंट चला रहे हम लोग मेरे से टोटो का, जिसमें मुख्य रूप से देख रहे हैं कि बहुत अंडर एज वाले बच्चे चलाते हैं गाड़ी, और बहुत सारी गाड़ी ऐसी है जिसका कोई नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसमें पकड़ रहे हैं। हाँ सर, जांच करा जा रहा है क्या मुख्य रूप से कि बच्चे लोग जो हैं, जो अंडर एज हैं, 12 साल बच्चे हैं, वो भी मतलब आने की तरह गाड़ी चलाते हैं। हम लोग गाड़ी से बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को जो अंडर एज गाड़ी ना दें टोटो चलाने के लिए। अभियान में मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम, यातायात थाना प्रभारी प्रेम रंजन उराव, सब इंस्पेक्टर कृष्णकांत, इमरान खान, समीर अंसारी, किशोर राज सहित कई जवान मौजूद थे। बक्सी डी 28 नंबर स्थित शमशान घाट भूमि को भू माफियाओं से बचाने के लिए शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति की एक बैठक जमीन बचाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति के लोगों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। सदर प्रखंड के बक्सीडी 28 नंबर स्थित शमशान भूमि को भूमाफियाओं से बचाने के लिए शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति की एक बैठक शनिवार को हुई। बैठक में बक्सीडी, माथाडी, बेसरिया, जोगीटांड, कुल्हारिया, जोरबाद, तेसरा बहियार, लखारी, चेताडी 28 नंबर समेत अन्य गाँव के लोग शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी सूरत में शमशान घाट की भूमि को भूमाफियाओं के चुंगल से आजाद कराकर ही दम लिया जाएगा। अभी जैसे बोले वहां नाती करके हम लोग को वो काम करने वाला आदमी को खुश है, विधायक जी से हम लोग। बैठक में उपस्थित सुरेश पासवान, दीपक दास, यमुना पासवान, संतोष पासवान, राजेंद्र पासवान, रामचंद्र दास, सुखदेव दास सहित अन्य लोगों ने बताया कि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा जाली कागजात बनाकर शमशान घाट की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। मामले को लेकर समिति ने सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मिलकर जमीन को बेचने का आग्रह किया था, जिसके बाद अंचल के अधिकारी आकर उस जमीन का नापी किए। नापी के दौरान 12 एकड़ जमीन दिखाने का काम किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उक्त जमीन का नापी कराकर 4 दीवारी कराया जाए। आज 28 नंबर भंडारी डी में बक्सीडी गिद्धाटांड शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति की जागरूकता अभियान के तहत आज बैठक रखी गई है, जिसमें इस गांव के सभी ग्रामीण उपस्थित हैं और इस शमशान भूमि से सभी पदाधिकारी लगभग यहाँ पर सभी मौजूद हैं। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि सैकड़ों वर्षों से जिस शमशान भूमि में जो संबंधित गांवों की सूची आप देख रहे हैं, उस शमशान भूमि में हमारे पूर्वज की अस्थियां पड़ी हुई है, और अभी कुछ दिनों से यह देखने को मिल रहा है कि जाली कागजातों के माध्यम से कुछ ऐसे भूमि माफिया लोग उस जगह पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने इस विषय पर समूचे गांवों के लोग उस शमशान भूमि के स्थल पर जा कर के बैठे हैं, और बैठने के बाद में तमाम लोगों से राय मशवरा करने के बाद में हम लोगों ने माननीय विधायक के पास में जाने का काम किया, और जाने के बाद में उनसे हम लोगों ने राय परामर्श करने के बाद में उन्होंने CO को आवेदन को हमारा दिया हुआ आवेदन को उन्होंने रेफर किया, और CO भी वहाँ पर आ करके स्थल की जाँच करने के बाद में उसने लगभग अभी 10-12 एकड़ ज़मीन को उस जगह पर दिखाने का काम किया है कि इस ज़मीन पर आप लोग जो है तो वहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का मांग ये है, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की शमशान भूमि में जो डैम बना है, जो 20 एकड़ जो डैम अभी जो पानी में डूबा हुआ है,
और जो अभी दो चार पाँच एकड़ जो ज़मीन इधर में जो बचा हुआ है, उस जमीन जितना ज़मीन पहले था उतना ज़मीन हम लोगों को मिले, और जो कागजातों के जो जाली कागजातों के माध्यम से जो भूमाफिया उस जगह पर जो हावी हो रहे हैं उसे प्रशासन उससे निपटने का काम करें। भूमाफियाओं से जो ज़मीन के जो अपने आप को जो झूठा रैयत कह रहे हैं, हमारी लड़ाई ये संगठन की लड़ाई उससे नहीं है, लड़ाई हमारी है जो तंत्र है, जो हमारा CO है, BDO है, DC है, हमारी लड़ाई उनसे है, और लड़ाई भी नहीं बल्कि हमारा अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मन पसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्ले ग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे धरियाडीह, गिरिडीह। खत्म हो गया, अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा, बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम, ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श मिश्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोप्राइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्सकेन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर, तो देर किस बात की है। एक बार पचम्मा रोड अलकापुर स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी।
SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी ग्रीडी। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोदी लेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया, जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया, जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1,000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के बगंडा स्थित पुराना साईं मंदिर का 27वां स्थापना दिवस के मौके पर श्री साईं सेवा समिति की ओर से शनिवार को आयोजित अनुष्ठान की भव्य भंडारे के साथ संपन्न किया गया।
मरगंडा स्थित पुराना साई मंदिर का 27वां स्थापना दिवस के मौके पर श्री साई सेवा समिति की ओर से आयोजित अनुष्ठान शनिवार को तीसरे दिन भव्य भंडारे के साथ संपन्न हो गया। शनिवार को अनुष्ठान के उपरांत साई बाबा को भोग लगाने के बाद भंडारा शुरू किया गया। इस दौरान भंडारा का महाप्रसाद लेने के लिए काफी संख्या में लोग साई मंदिर पहुंचे हुए थे। स्थापना दिवस समारोह को सफल बनाने में मंदिर के संस्थापक संजय राजगढ़िया, अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, मंदिर पुजारी अजय पाठक, चंद्रमोलेश्वर प्रसाद, संदीप कुमार उर्फ टिंकू सिन्हा, नरेंद्र कुमार गुप्ता, उज्जवल गुप्ता, कृष्णा कुमार सिन्हा, दीपक कुमार सिन्हा, राजीव वर्मा, निखिल वर्मा सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। मंदिर में इस बार 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम दिन शाम में साई पालकी का भ्रमण नगर हेतु निकला था, जो कि परसों एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके उपरांत कल स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसमें प्रातः से रात 11 बजे तक यहाँ पर कार्यक्रम प्रसाद वितरण चलता रहा। उसके आज इस कार्यक्रम का समापन भंडारा के साथ किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे से भंडारा प्रारंभ है, जो रात्रि 10 बजे तक चलता रहेगा। सरिया अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भाकपा माले ने नाब कमेटी में एसडीओ से मुलाकात की और मामले की जांच कर सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को नगर पंचायत भाकपा माले कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने बगौदर सरिया अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार से मुलाकात की और आवेदन देकर सरिया अंचल अधिकारी रमेश चंद्र तिवारी के खिलाफ जाँच कर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सरियांचल अधिकारी पर महीनों से भ्रष्टाचार व मुद्रा मोशन करने की शिकायत की है। वहीं सीओ पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर लाखों रुपए लेकर गैर मजरूआ सहित बकास्त व अन्य खाता का दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया है। लोकल कमेटी माले सचिव जिम्मी चौरसिया व मीडिया प्रभारी विशाल गंभीर ने कहा कि अंचल अधिकारी की कार्यशैली संदिग्ध है। गैर मजरूआ जमीन सहित संबंधित कई दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मामले में अनुमंडल पदाधिकारी जांच कर 7 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो भाकपा माले नब कमेटी आंदोलन को बाध्य होगी। मैं विजय कुमार चावला, मैंने अपनी पत्नी के नाम से मनरामा मोजा में 215 खाते का जमीन लिया था, जिसमें दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया। सीओ ने 50,000 हमसे मांगा, तब बोले कि तब हम दाखिल खारिज करेंगे। जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कम से कम 20-25 बार उनके पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। तो किसी तरह मैंने इधर उधर से कर्ज लेकर 25,000 रुपया मैंने दिया। उसके बाद कर्मचारी ने और उन्होंने सकारात्मक रिपोर्ट लगाई। उसके बाद भी उन्होंने फिर से 25,000 रुपया मांगा मुझसे। तो मेरे पास पैसा नहीं है और मैं बहुत त्रस्त हूँ और मैं उनको पैसा और नहीं 50,000 रुपया नहीं देने के कारण वो मेरा दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिए। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री साहब को और डीसी साहब को आवेदन किया है। उसके बाद भी किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ और सीओ साहब ने कहा कि आप जहां आवेदन भेजना है भेज लो और जो आपसे हो सकता है कर लो, मैं सब जगह पैसा लेता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा नाम पंकज कुमार साहब है और मेरा घर यहीं बगल में नावाडी गांव पड़ता है। मेरा एक जमीन सबलपुर मौजा में है, खाता 2 बकास खाते की है। हम 7 नवंबर को आवेदन अप्लाई किए थे LPC के लिए और उसमें
दिसंबर 22 दिसंबर को कर्मचारी रिपोर्ट किए, उसके बाद सीआई 24 दिसंबर को रिपोर्ट किए। उसके बाद जब हम सीओ साहब से मिलने गए तब सीओ साहब बोले कि ये बकास खाते की ज़मीन है, इसमें हम 1 लाख रुपये लेंगे तब हम करेंगे, और नहीं तो फिर बार बार हमारे पास नहीं आइएगा। तो बोले सर ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है सर, इतना अमाउंट तो हम नहीं दे पाएंगे। और जबकि सर बकास खाते की तो आप बहुत सारा LPC दिए हैं, हाँ उसका प्रमाण भी मेरे पास है। तो सर हम देखें कि गए फिर हम रजिस्ट्री ऑफिस से नकल निकाले, सर्टिफाइड कॉपी जिनको जिनको बकास खाते की LPC दिए हैं सर, सारा मेरे पास प्रमाण है, उसके बावजूद भी नहीं किए। तब हम 19 जनवरी को DC साहब को आवेदन दिए, किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। फिर हम 13 फरवरी को जाके मुख्यमंत्री सचिवालय में आवेदन दिए और उनके जो नज़दीकी अधिकारी थे उनसे भी मिले, तो भी बोले ठीक है हम जांच में भेजते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर दोबारा एक बार हम CO साहब के पास आए, बोले सर आप तो मेरा LPC कर दीजिए, बहुत समय हो गया। तो CO साहब बोले कि नहीं, जब तक तुम पैसा नहीं देगा तब तक LPC नहीं देंगे, तुमको जहाँ जहाँ जाना है जाओ, DC के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, हमारा सब जगह सेटिंग है, हम सब जगह पैसा पहुंचाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड कमेटी के बैनर तले शनिवार को बेंगाबाद दुमाड़ी में एक बैठक प्रखंड अध्यक्ष सभी सूत्रीय अध्यक्ष नुनू राम किस्कू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 4 मार्च को झामुमो का 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसे बेंगाबाद से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होने के लिए झंडा मैदान आएंगे, जहां झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु सीबू सोरेन के भाषण को सुने। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष नीलकंठ मंडल, सुरेश सिंह, चांदो मंडल, विजय सिंह, अब्दुल वाहिद खान, मोहम्मद सलीम समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति बेंगाबाद का बैठक धुमाड़ी में आहूत है। आज का बैठक का मुख्य एजेंडा था 4 मार्च 2023, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह संघर्ष का गौरवशाली का इतिहास का यह 50वां वर्षगांठ है। आज पार्टी के बड़े साथियों के साथ और नए साथियों के साथ तमाम युवा साथी यहाँ मौजूद थे। आज बैठक में ये निर्णय लिया गया 50वां स्थापना दिवस समारोह को भव्य बनाने के लिए बेंगाबाद के साथी, नए जो युवा साथी हैं, पार्टी के वरीय साथी हैं, आंदोलनकारी साथी हैं, तमाम साथियों के साथ आज हम लोगों ने मंतव्य मांगा है, निर्णय लिया है कि 50वें स्थापना दिवस समारोह को झारखंड मुक्ति मोर्चा बेंगाबाद प्रखंड समिति भव्य बनाएगी और उस दिन गिरिडीह का ऐतिहासिक झंडा मैदान से इस राज के आदरणीय दिसम गुरु सीबू सोरेन, हम साथी कार्यकर्ताओं को, हम जैसे नौजवान साथियों को गुरु मंत्र देंगे और इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, जो इस राज्य के भविष्य हैं, इस राज्य के युवा दिलों के धड़कन है, ये लगातार अब देखेंगे झारखंडी जनभावना के अनुरूप निर्णय ले रहे हैं, जिसे विपक्ष को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, आप देखे होंगे बौखलाए हुए हैं, उनको सुनने के लिए लोग आतुर हैं, उनके बातों को हम लोग गौर से सुनेंगे और ये आने वाले दिन में यह संगठन और मजबूत होगी और हम लोग गांव-गांव तक ले जाएंगे, पुनः वो दिन आएगी। कभी बार माइस को सीडीओ मिलने पर माल नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा सीसीएल क्षेत्र में आम आवाम को बधाई दी थी, इसे माले के आंदोलन का परिणाम बताया। माले नेताओं ने सीसीएल प्रबंधन से कई मांगे की है। कबरीबाद माइंस को सीटीओ मिलने पर सिसिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। असंगठित मजदूर हो या फिर ट्रक मालिक हो या कोयला मजदूर या फिर इलाके के दुकानदार ही क्यों ना हो, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता देखी जा रही है। इसी बीच नेताओं में भी कबरीबाद माइंस को सीटीओ दिलाने की क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। शनिवार को भाकपा माले नेता राजेश यादव व राजेश सिन्हा ने कहा कि सीसीएल क्षेत्र में कोयला लूट के खिलाफ भाकपा माले ने अपनी आवाज़ बुलंद की है।
भाकपा माले लगातार अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से सरकार व प्रबंधन पर दबाव बनाते रहे हैं। पीओ ऑफिस व धरातल पर भी जाकर बात लगातार जारी रखी गई थी। इस दौरान माले नेता ने मांग करते हुए कहा कि 4 सालों में कई ट्रक मालिक अंदर से टूट गए हैं व कई लोग कर्ज में डूब गए हैं। ऐसे में तमाम ट्रक मालिकों को सीसीएल मुआवजा दे। लंबे अंकाल के बाद गिरिडीह सीसीएल के कबरीबाग माइंस के लिए सीटीओ मिलने के बाद वहां प्रोडक्शन का रास्ता साफ हुआ है। हमारी पार्टी भाकपा माले और हमारा यूनियन कोल माइंस वर्कर्स यूनियन AICCTU, हम तमाम लोग इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस के साथ ही यहाँ पर एक बार फिर से लोगों को कई तरह से रोजगार मिलेगा। जो लोग वहाँ पर स्थायी रूप से नौकरी में हैं उनका भी एक तरह से काम होगा शुरू, और अलग से लोकल सेल मजदूरों के लिए भी वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हम इसके साथ ही सरकार से कोल इंडिया से हम मांग करते हैं कि यहाँ पर एक लंबे समय से एक लेबर कोऑपरेटिव बना करके उनको भी एक तरह से वहाँ रोजगार में नियोजित करने की मांग चली आ रही है। हम मांग करेंगे कि इस तरह का भी कोई रास्ता निकाला जाए जिससे माइंस के आसपास के रहने वाले बड़ी तादाद में जो बेरोजगार लोग हैं उनका भी कोई रोजगार का अवसर वहाँ पर मिले। हमें बनियाडी कबरीबाग माइंस में जिस प्रकार से सीडीओ मिला है और ये लंबे अंतराल के बाद मिला है, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि भाकपा माले और हमारा जो यूनियन है AICCTU लगातार आंदोलन कर ही रही थी। और इस पर एक बात जो कहना था कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो लोकल मजदूर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्य मिले, और वहाँ के जो ट्रक एसोसिएशन है जिसका 4 सालों में किसी का ट्रक खराब हो गया, किसी का ट्रक बेचने का नौबत आ गया, किसी का ट्रक रखा रखा सड़ गया, उन तमाम लोगों का जो है वो एक तरह से ज़्यादा काम मिले ताकि वो अपना भरपाई कर सके। अगर मुआवजा की बात हो तो उनको मुआवजा की भी बात हो, साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल स्तर पे जो मजदूर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, वहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, हम इसी बात की मांग करते हैं। झंडा मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के सफल आयोजन को लेकर आयोजन समिति के लोगों ने शनिवार निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहवाली और सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव से मुलाकात की। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के गौरी सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, गौरव सिन्हा, संजीव सिंह ने शहर के कई गणमान्य लोगों से संपर्क कर सहयोग प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी व सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव से भी मुलाकात कर सहयोग प्राप्त किया। इस क्रम में श्री शाहबादी के आवासीय कार्यालय में भाजपा नेता महेश राम, कन्हैया ओझा, ओम प्रकाश गुप्ता, सुरेश मंडल, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, गोविंद तुरी, प्रेम मिश्रा आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। मौके पर पूर्व विधायक श्री साहबादी ने प्रस्तावित श्रीमद् भागवत गीता कथा के भव्य आयोजन की सफलता के लिए अपना भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया और गिरिडीह की समस्त जनता से आर्थिक और शारीरिक सहयोग करने तथा जल यात्रा से लेकर समापन तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा सुनने का आग्रह किया। लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, गिरिडीह के झंडा मैदान में 13 मार्च से लेकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें हम लोग का बहुत ही सौभाग्य की बात है, इसमें पद्मभूषण जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्र आचार्य जी महाराज का आगमन हो रहा है, उनके शिष्य का आगमन हो रहा है, और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे जो सनातन के मानने वाले लोग हैं उनको इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और हम अपनी ओर से यह आह्वान करना चाहते हैं गिरिडीह की जनता को, जितना भी हो सके आप अपना इसमें योगदान दें, आर्थिक शारीरिक आप अपना योगदान दें। और मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहूँगा कि यह कथा को सुन करके आपको निश्चित रूप से आत्मसंतोष आपको होगा, और इसको सभी लोग जितने आयोजित गण हैं उनसे मेरी आग्रह है कि गिरिडीह के सभी वर्गों से जा करके कुछ ना कुछ जरूर योगदान देने का काम करें, ताकि सबको ये लगे कि हमारा यज्ञ हो रहा है, हमारा ये भागवत कथा
हम जो करा रहे हैं जनता के लिए वो सार्थक। इधर आयोजन समिति के मोतीलाल उपाध्याय तथा गौरी सिंह ने बताया कि झंडा मैदान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कहा कि 13 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक जगतगुरु राम भट्टाचार्य के प्रिय शिष्य श्री उज्जवल शांडिल्य महाराज होंगे। 13 तारीख से 19 तारीख तक भागवत कथा का जो आयोजन गिरिडीह शहर में किया गया है उसके तहत हम लोग आज यहाँ पूर्व विधायक सावादी जी के कार्यालय में भेंट कर सभी भक्तजनों से और जो बैठे हुए थे उनसे बात किए और इस कार्यक्रम को सभी लोगों के सहमति से इसमें सभी जाति वर्ग के लोग सभी सामाजिक लोग मिल कर के इस भागवत कथा का हम लोग आनंद लेंगे और आगे भविष्य में धर्म प्रेमियों का तांता इसी तरह बढ़ते रहे या हम लोग भागवत कथा से अपना समाज के बहुत ही लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गिरिडीह शहर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो और उस निमित्त 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गिरिडीह शहर के झंडा मैदान में किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक के रूप में विश्व के धर्मगुरु प्रसिद्ध कथावाचक श्री राम भद्राचार्य के प्रिय शिष्य श्री उज्जवल शांडिल्य जी महाराज का आगमन हो रहा है। वे 13 मार्च से 19 मार्च तक शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम गिरिवासियों को कराएंगे। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, इससे हम सबों के हृदय में निश्चित रूप से भगवत भक्ति की जागृति बढ़ेगी, सनातन के प्रति हमारा और ही अगाढ़ प्रेम बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम सभी इसका लाभ उठाएंगे। हम गिरिडीह शहरवासियों से आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप सभी अपना सहयोग दें और 13 मार्च से 19 मार्च तक अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर कथा का श्रवण करें। राजदरबार प्रखंड के ईडर सनी गांव में अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय नवकुंडलीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ की गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा शनिवार को राजधनवार प्रखंड के ईटासानी गांव में नौ कुंडिया नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ की शुरुआत की गई। महायज्ञ की शुरुआत भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ की गई। कलश यात्रा में राजधनवार के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मौके पर उपस्थित बोकारो उप जोन के प्रभारी बुद्धन प्रसाद वर्मा ने कहा कि 28 फरवरी तक चलने वाले 4 दिवसीय इस नौ कुंडिया नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ के दौरान गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों के द्वारा वेद मंत्र गायत्री जाप एवं ध्यान से लाभ संस्कारों के महत्व स्वावलंबन व्यक्ति निर्माण परिवार निर्माण समाज निर्माण और समाज में व्याप्त अंधविश्वास अशिक्षा एवं विभिन्न तरह की कुरूतियों के निवारण के संबंध में जानकारी दी जाएगी। साथ ही गायत्री महायज्ञ में नामकरण मुंडन अन्नप्राशन दीक्षा विवाह यज्ञोपवीत सहित विभिन्न संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजू पंडित देवकी महतो अवध यादव सुदामा पंडित नकुल राम अशोक पंडित तनुत साव सुरेश यादव प्रकाश यादव डिगलाल यादव सहित पूरे गांव राजधनवार तीसरी एवं गांव से जुड़े गायत्री परिवार के लोग सहयोग कर रहे हैं। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।